मैं सिर्फ यही कहता हूं कि निर्गुण सगुण इस देश की सब कुछ यहां की परंपरा है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो एक पारंपरिक रूप से हिंदू परंपरा थी, कृष्ण की पूजा के लिए कथक का नृत्य हुआ करता था, उसमें किस तरीके से इस्लाम का प्रभाव कव्वाली के रूप में आ जाता है और साथ साथ वो जो सूफी परंपरा उसमें आ जाती है और कलाकार जो है ईश्वर में रम जाता है। तो ये जो परंपराएं रही हैं, अलग अलग परंपराएं रही हैं, वो हमारे हिंदुस्तान की विरासत है और इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम नहीं समझेंगे, सिर्फ हम डिस्को को समझेंगे कि डिस्को ही हमारी परंपरा है, तो हिंदुस्तान को हम नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए बुद्ध से कबीर तक हमने शुरू किया कि पहले अपनी चीज़ों का समझिए, जरा गौर कीजिए, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को, इस देश की जो सिंक्रेटिक कल्चर है, जो साझी विरासत है, उसको नहीं सब, खास करके युवा लोगों को मैं कहूँगा कि किसी भी एक धर्म का, किसी भी धर्म को मानते हैं हम, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन किसी भी एक धर्म को मानने से के साथ में ही एक समझने की कोशिश करिए कि उस धर्म में या उस परंपरा में वो चीज़ें कहाँ से आई हैं। जब वो आप समझेंगे तो आपको ज़िंदगी जीने का ज़्यादा मज़ा आएगा और साझी विरासत को जीने का ज़्यादा मज़ा आएगा। बुद्ध कहाँ गए थे और उन्होंने मोटा मोटी क्या कहा था, कोई बताएगा आप में से, छात्रों में से, बुद्ध का क्या संदेश था, किसके बारे में बात करते थे? कहना था कि आगे का मत सोचो, जो चल रहा है उसके बारे में सोचो, ना पीछे का सोचो ना आगे का सोचो, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके बारे में सोचो। बहुत सुंदर। बुद्ध से कबीर तक, बुद्ध से कबीर।